श्री पार्वती गीता। पार्वती गीता की प्रेरणा मुझे आदरणीय श्री प्रकाश जी से मिली और आदेश मिला कि इसके पाठ का वीडियो बनाकर जन साधारण के कल्याणार्थ मैं मेरे यूट्यूब चैनल में प्रसारित करूं, जिसके लिए मैं हृदय से उनका आभार प्रकट करता हूं। श्री पार्वती गीता ओम। अस्य श्री पार्वती गीता माला मंत्रस्य भगवान वेदव्यास ऋषेः अनुष्टुप आदि नानाविध छंदांसि श्री भुवनेश्वरे उमा हैमवते पार्वती देवता ह्रीं बीजं श्री जगदम्बा भुवनेश्वरे उमा हैमवते पार्वती प्रसाद पूर्वकं मम सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः अथ करन्यासः ह्राम अंगुष्ठाभ्यां नमः ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः हुं मध्यमाभ्यां नमः हैं अनामिकाभ्यां नमः ह्रां कनिष्ठिकाभ्यां नमः ह्रः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः अथ हृदयादिन्यासः ह्रां हृदयाय नमः ह्रीं शिरसे स्वाहा हुं शिखायै वषट् हैं कवचाय हुं ह्रां नेत्रत्रयाय वषट् ह्रः अस्त्राय फट् अथ ध्यानम् हृत्पुण्डरेकमध्यस्थां प्रातः सूर्यसमप्रभां पाशाङ्कुशधरां साम्यां वरदाभयहस्तकां त्रिनेत्रां रक्तवसनां भक्तकामदुघां भजे। अथ पार्वती गीता प्रथम अध्याय। नारद उवाच ब्रूहि देव महेशान यथा चा परमेश्वरे बभूव मेनका गर्भे पूर्ण भावेन पार्वते श्रुतं बहु पुराणेषु ज्ञायते पे च यद्यपि जन्म कर्मादिकं तस्यास्तथापि परमेश्वर श्रोतुं समिष्यते त्वत्तो यतस्त्वं वेत्सि तत्त्वतः तद्वदस्व महादेव विस्तरेण महामते। शे महादेव उवाच त्रैलोक्या जननी दुर्गा ब्रह्मरूपा सनातने प्रार्थिता गिरिराजेन तत्पत्न्या मेन यापि च महोग्र तपसा पुत्रे भावेन मुनिपुङ्गवा प्रार्थिता च महेशेन सती विरह दुःखिना प्रययौ मेनका गर्भे पूर्ण ब्रह्म महे स्वयं ततः शुभदिने मेना राजीव सदृशाननां सुषुवे तनयां देवे सुप्रभां जगदम्बिकां ततो अभवत् पुष्पवृष्टिः सर्वतो मुनिसत्तमा पुण्यगन्धो ववौ वायुः प्रसन्नाश्च दिशो दश तथा द्रिराजः श्रुत्वा तु पुत्रीं जातां शुभाननां तरुणादित्यकोट्याभां त्रिनेत्रां दिव्यरूपिणीं अष्टहस्तां विशालाक्षीं चन्द्रार्धकृतशेखरां मेनेतां प्रकृते सूक्ष्मां माद्यां जातां स्वलीलया तदा हृष्टमना भूत्वा विप्रेभ्यो प्रददौ बहु धनं वासांसि च मुने दुग्दीर्घाश सहस्रशः द्रष्टुं प्रतियौ चाशु बन्धुभिः परिवारिता ततस्तमागतं ज्ञात्वा गिरीन्द्रं मेनका तदा प्रोवाच तनया पश्य राजन् राजीवलोचनाम् आवयोस्तपसा जाता सर्वभूतहिताय च ततः सोऽपि निरीक्ष्येनां ज्ञात्वा तां जगदम्बिकां प्रणम्य शिरसा भूमौ कृताञ्जलिपुटः स्थितः
प्रोवाच वचनं देवे भक्त्या गद्गदया गिरा। हिमालय उवाच का त्वं मातर्विशालाक्षे चित्ररूपा सुलक्षणा न जाने त्वामहं वत्से यथावत् कथयस्व मां। श्रीदेव्यो वाच जाने हे मां परां शक्तिं महेश्वर कृताशयां शाश्वतैश्वर्य विज्ञान मूर्तिं सर्व प्रवर्तिकां ब्रह्म विष्णु महेशादे जननीं सर्व मुक्तिदां सृष्टि स्थिति विनाशानां विधात्रीं जगदंबिकां अहं सर्वांतरस्था च संसाराणवतारिणे नित्यानंदमये नित्या ब्रह्मरूपेश्वरेति च युवयोस्तपसा तुष्टा पुत्रे भावेन लीलया जाता तव गृहे तात बहुभाग्यवशात्तव। हिमालय उवाच मातस्त्वं कृपया गृहे मम सुता जातासि नित्यापि यत् भाग्यं मे बहु जन्म जन्म जनितं मन्ये महत्पुण्यदं दृष्टं रूपमिदं परात्परतरं मूर्तिं भवन्या अपि माहेश प्रतिदर्शया सुकृपया विश्वेशि तुभ्यं नमः। श्रीदेव्यो वाच ददामे चक्षुस्ते दिव्यं पश्य मे रूपमेश्वरं छिन्दे हृत् संशयं विद्धि सर्वदेवमयीं पितः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्त्वा तं गिरिश्रेष्ठं दत्त्वा विज्ञानमुत्तमं स्वरूपं दर्शयामास दिव्यं माहेश्वरं तदा शशिकोटे प्रभं चारो चन्द्रार्धकृतशेखरं त्रिशूलवरहस्तं च जटामण्डितमस्तकं भयानकं घोररूपं कालानलसहस्रभं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं च नागयज्ञोपवेतिनं दीपी चरमं वरधरं नागेन्द्रकृतभूषणं एवं विलोक्य तद्रूपं विस्मितो हिमवान् पुनः। प्रोवाच वचनं माता रूपमन्यत् प्रदर्शय तत संहृत्य तद्रूपं दर्शयामास तत्क्षणात् रूपमन्यन्मुनिश्रेष्ठ विश्वरूपा सनातने शरच्चन्द्रनिभं चारु मुकुटोज्ज्वलमस्तकं शङ्खचक्रगदा पद्मा हस्तं नेत्रत्रयोज्ज्वलं दिव्यमाल्यं वरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं योगेन्द्रवृन्दसंवन्द्यं सुचारु चरणाम्बुजं सर्वतः पाणिपादं च सर्वतोक्षिशिरोमुखं दृष्ट्वा तदेतत्परमं रूपं स हिमवान् पुनः प्रणम्य तनयां प्राह विस्मयोत्फुल्ललोचनः। हिमालय उवाच मातस्तवेदं परमं रूपमेश्वरमुत्तमं विस्मितोऽस्मि समालोक्य रूपमन्यत् प्रदर्शय त्वं यस्य सोऽयशोच्योहे धन्यश्च परमेश्वरे अनुगृणेष्व मातरमां कृपया त्वं नमो नमः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्ता सा तदा पित्रा शैलराजेन पार्वते तद्रूपमपि संगृत्य दिव्यं रूपं समाददे नीलोत्पलदलश्यामं वनमाला विभूषितं शङ्खचक्रगदापद्ममभिव्यक्तं चतुर्भुजम् एवं विलोक्य तद्रूपं शैलानामधिपस्तता कृतञ्जले पुटः स्थित्वा हर्षेण महता युता स्तोत्रेणानेन त्वां देवीं तुष्टा वा परमेश्वरीं सर्वदेवमयीमाद्यां ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकां। हिमालय उवाच माता सर्वमहि प्रसीद परमे विश्वेश विश्वासये त्वं सर्वं नहि किञ्चिदस्ति भुवने तत्त्वं त्वदन्यच्छिवे त्वं विष्णुर्गिरिशस्त्वमेव नितरं दातासि शक्ति परा
किं वर्ण्याचरितं त्वचिन्त्यचरिते ब्रह्माद्य गम्यं मया त्वं स्वाहाखिल देवतृप्तिजननि विश्वेषितं वैश्वदा पितॄणामपि तृप्तिकारणमसि त्वं देवदेवात्मिका हव्यं कव्यमपि त्वमेव नियमो यज्ञस्तपो दक्षिणा त्वं स्वर्गादिफलं समस्तफलदे देवेशि तुभ्यं नमः रूपं सूक्ष्मतमं परात्परतरं यद्योगिनो विद्यया शुद्धं ब्रह्ममयं वदन्ति परमं माता सुदृप्तं तव वाचा दुर्विषयं मनोतिगमपि त्रैलोक्यबीजं शिवे भक्त्या हं प्रणमामि देवि वरदे विश्वेश्वरि त्राहि मां उद्यत् सूर्यसहस्रभं मम गृहे जातां स्वयं लीलया देवीमष्टभुजं विशालनयनं बालेन्दुमालिं शिवाम् उद्यत् कोटिशशङ्खकान्तिनयनं बालं त्रिनेत्रं परां भक्त्या त्वां प्रणमामि विश्वजननीं देवी प्रसीदाम्बिके रूपं ते रजताद्रिकान्ते विमलं नागेन्द्रभूषोज्ज्वलं घोरं पञ्चमुखम्बुजत्रिनयनैर्भीमहिषमुद्भासितं चन्द्रार्धाङ्कितमस्तकं धृतजटा जूटं शरण्ये शिवे भक्त्याहं प्रणमामि विश्वजननि त्वं त्वं प्रसीदाम्बिके रूपं शारदचन्द्रकोटिसदृशं दिव्याम्बरं शोभनं दिव्यैराभरणैर्विराजितमलं कान्त्या जगन्मोहनं दिव्यैर्बाहुचतुष्टयैर्युतमहं वन्दे शिवे भक्तितः पादाब्जं जननि प्रसीदनिखिल ब्रह्मादिदेवस्तुते रूपं ते नवनीरदद्युतिरुचि फुल्लाब्जनेत्रोज्ज्वलं कान्त्या विश्वविमोहनं स्मितमुखं रत्नाङ्गदैर्भूषितं विभ्राजद्वनमालया विलसितो रसकं जगत्तारिणे भक्त्या हं प्रणतोऽस्मि देवि कृपया दुर्गे प्रसीदाम्बिके मातः कः परिवर्णितुं तव गुणं रूपं च विश्वात्मकं शक्तो देवि जगत्त्रये बहुगुणैर्देवोऽथ वा मानुषः तत्किं स्वल्पमतिर्ब्रवीमि करुणं कृत्वा स्वकीयैर्गुणैर्नो मां मोहय मायया परमया विश्वेशि तुभ्यं नमः अद्य मे सफलं जन्म तपश्चा सफलं मम यत्त्वं त्रिजगतां माता मत्पुत्रित्वमुपागता धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं मातस्त्वं निजलीलया नित्यापि मद्गृहे जाता पुत्रे भावेन वैयता किं ब्रुवे मेन कायाश्च भाग्यं जन्म शतार्जितं यतस्त्री जगतां मातोरपि माता भवेत्तव श्रीमहादेव उवाच एवं गिरीन्द्रतनया गिरिराजेन संस्तुता बभूव सहसाचारो रूपिणी पूर्ववन्मुने मेनकापि विलोक्यैवं विस्मिता भक्तिसंयुता ज्ञात्वा ब्रह्ममयीं पुत्रीं प्राह गद्गदया गिरा मेनकोवाच मातस्तुतिं न जानामि भक्तिं वा जगदम्बिके तथाप्यहमनुग्राह्या त्वया निजगुणे नहि त्वया जगदिदं सृष्टं त्वमेव तत्फलप्रदा सर्वाधारस्वरूपा च सर्वव्याप्यादितिष्ठसि श्रीदेव्योवाच त्वया मातस्तथा पित्राप्यनेनाराधितायं महोग्रतपसा पुत्रीं लब्धुं मां परमेश्वरीं युवयोस्तपसस्तस्य फलदानाय लीलया नित्या लब्धवती जन्म गर्भे तव हिमालयात् श्रीमहादेव उवाच ततो गिरीन्द्रस्तां देवीं प्रणिपत्य पुनः पुनः पप्रच्छ ब्रह्म विज्ञानं प्राञ्जलिर्मुनिसत्तम हिमालय उवाच मातस्त्वं बहुभाग्येन मम जातासि कन्यका ब्रह्माद्यैर्दुर्लभा योगैर्दुर्गम्या निजलीलया अहं तव पदं भोजं
प्रपन्नोऽस्मि महेश्वरे यथां यशा तरिष्यामि संसारापारभारिधिं यस्मत्कालस्य कालस्त्वं महाकालेति गीयसे तस्मात्त्वं सादि मातरमां ब्रह्म विज्ञानमुत्तमं श्रीपार्वत्युवाच शृणुतात प्रवक्ष्यामि योगसारं महामते यस्य विज्ञानमात्रेण देहि ब्रह्ममयो भवेत् गृहीत्वा मम मन्त्रान्वये सद्गुरोः सुसमाहितः कायेन मनसा वाचा मामेव समाशयेत् मच्चित्तो मद्गत प्राणो मन्नामा जप तत्परः मत्प्रसंगो मदालापो मद्गुण श्रवणे रता भविन्मुमुक्षु राजेन्द्र मयि भक्ति परायणः मदर्चा प्रीति संसक्त मानसः साधकोत्तमः पूजा यज्ञादिकं कुर्याद् यथा विधि विधानतः श्रुतिस्मत्योदितैः सम्यक् स्ववर्णाश्रम वर्णिते सर्वयज्ञ तपोदानैर्मामेव हि समर्चयेत् ज्ञानात् संजायते मुक्तिर्भक्तिर्ज्ञानस्य कारणं धर्मात् संजायते भक्तिर्धर्मो यज्ञादिको मतः तस्मान्मुमुक्षुर्धर्मार्थं ममेदं रूपमाशयेत् सर्वाकाराहमेवैक सच्चिदानन्द विग्रह मदंशेन परिच्छिन्ना देह स्वर्गोक सम्पितः तस्मान् मामेव विद्युक्तये सकलैरेव कर्मभिः विभव्य प्रयजेद् भक्त्या नान्यथा भावयेत् सुदे एवं व्ययुक्त कर्माणि कृत्वा निर्मलमानसः आत्मज्ञाना समुद्युक्तो मुमुक्षुः सततं भवेत् घृणां वितत्य सर्वत्र पुत्रमित्रादिकेष्वपि वेदान्तादिषु शास्त्रेषु सन्निविष्टमना भवेत् कामादिकं त्यजेत् सर्वं हिंसां चापि विवर्जयेत् एवं कृत्वा परां विद्यां जानीते नात्र संशय यदैवात्मा महाराज प्रत्यक्षमनुभूयते तदैव जायते मुक्ति सत्यं सत्यं ब्रवीमिते किं त्वेतद्दुर्लभं तात मद्भक्ति विमुखात्मनां तस्माद् भक्तिः पराकार्या मयि यत्नान्मुमोक्षुभिः तमप्येवं महाराज मयोक्तं कुरु सर्वदा संसारदुःखैरखिलैर्बाध्यसेन कदाचन इति श्रीपार्वतीगीता प्रथमोऽध्यायः।